जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि रॉ मटेरियल का उपयोग करके किस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, के बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है, किस प्रकार से किस किस चरण से होकर वो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोसेस को आज हम समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको किसी पंखे का निर्माण करना है, मान लीजिए हमको सीलिंग फैन का निर्माण करना है। सीलिंग फैन के निर्माण में हमको उसके पर चाहिए, उसका मोटर चाहिए, बेयरिंग चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब हमको बियरिंग अलग से लाना पड़ता है, इसकी जो पर होते हैं उसको अलग से लाना पड़ता है, उसका जो मोटर आर्मेचर रहता है उसको अलग से लाना पड़ता है, कैपेसिटर उसको अलग से लाना पड़ता है। ये सब हुआ रॉ मटेरियल। इन सभी रॉ मटेरियल को मिलाया जाता है तभी एक पंखे का निर्माण होता है। यही होता है हमारा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम उत्पादन प्रणाली कहते हैं। अब समझ लेते हैं यह उत्पादन प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है। मान लीजिए हमको इस मोटर को बनाना है। अब इस मोटर को मान लीजिए ये मोटर है। अब इस मोटर को हमको बनाना है तो इस मोटर में क्या क्या प्रोसेस लगे होते हैं। देखिए, इसका जो आर्मेचर होता है ये अलग से आता है, इसकी बाइंडिंग अलग की जाती है, इसके जो ब्रश होते हैं जो इस आर्मेचर को रगड़ते हैं जहाँ से यहाँ से करंट दिया जाता है, ये जो ब्रश होता है जो आर्मेचर पर रगड़ता है इसको अलग डिज़ाइन किया जाता है, आर्मेचर अलग डिज़ाइन किया गया, और इसका जो आर्मेचर भरा रहता है जो वायर होता है उसको अलग से भरा गया। इसके अंदर ये चुम्बक लगे होते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं, इनको अलग असेंबल किया गया, मतलब इनको अलग बनाया गया। ये जो इसका केसिंग होता है, ये जिसको खोखला बोलते हैं, ये इसको अलग डिजाइन किया गया। हर एक प्रोसेस को इसमें अलग अलग डिजाइन किया गया, तब जाके इसको इसमें एक में असेंबल किया गया, एक में जोड़ा गया, इसके बाद ही हमको ये मोटर तैयार मिलता है। अब इसी प्रकार मान लीजिए हमको मोटर बनाना है, तो मोटर बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है। आर्मेचर की जरूरत पड़ी, इसके अंदर वायर की जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इसके बाद हमको इसकी ब्रश की जरूरत पड़ी, केसिंग की जरूरत पड़ी, मैग्नेट की जरूरत पड़ी, यहाँ पे बुश लगा होता है, इस बुश की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे सब क्या दिए, यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, इसी का मैग्नेट का इनपुट दे दिया, केसिंग का इनपुट दे दिया, आर्मेचर का इनपुट दे दिया, बुश का इनपुट दे दिया, और इसके साथ साथ ये इसका इनपुट दे दिया। अब क्या होता है, जब हमने यहाँ पर सभी चीज का इनपुट दे दिया, इनपुट में यहाँ पर रॉ मटेरियल ला के हमने दे दिया मोटर का। अब जब रॉ मटेरियल हमने ला के मोटर का दे दिया है, अब ये जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो ये हमने रॉ मटेरियल दिया था, इसका ये जो रॉ मटेरियल हमने दिया था, केसिंग, मैग्नेट, आर्मेचर, जो हमने दिया था इनपुट को अब ये ला के दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, मतलब निर्माण चरण को इसने दे दिया। अब यहाँ पर इसको असेंबल किया जाएगा, हर एक चीज को हर एक जगह पर व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे कहाँ पर कौन सी चीज को हमको लगाना है। उसके बाद अब जब यहाँ पर हर एक रॉ मटेरियल को उसको अपनी जगह पर फिक्स कर दिया। ये आर्मेचर था, इनपुट में दिया गया था रॉ मटेरियल दिया गया था। अब इसको लेके आए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस आर्मेचर को इस केसिंग में जहाँ पे मैग्नेट लगाए जाएंगे उसी केसिंग में हमको आर्मेचर को बैठाना रहेगा। इसके ऊपर हमको लगाना पड़ेगा ब्रश को। ये अब मोटर पूरा फिक्स हो गया। अब यहाँ से जब हम इस इलेक्ट्रिक देंगे तब ये रोटेट करेगा, तब जाके हमारा पूरा मोटर तैयार हो गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में यहाँ पर इसका निर्माण कार्य होता है इसी प्रोसेस में। अब जब ये मोटर हमको तैयार हो गया यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यानी निर्माण कार्य में, जहाँ निर्माण में इसका प्रोसेस जब तैयार हो गया, मोटर हमारा तैयार हो गया, अब ये जाएगा आउटपुट बिक्री के लिए। अब ये तैयार हो गया, ये आउटपुट में चला जाएगा। यहाँ से हमने रॉ मटेरियल को इनपुट किया, इसके बाद ये आया, प्रोडक्ट बना, जहाँ पर जिस रॉ मटेरियल को जहाँ पर लगना था वहाँ पर उस रॉ मटेरियल को लगा दिया गया इसी प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ से हमको इस प्रोसेस द्वारा यहाँ पर हमको क्या मिल गया,
मोटर मिल गया, यहां पर हमको अपना प्रोडक्ट मिल गया, यहां पर आउटपुट में हमको जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे हमको मोटर चाहिए था, वो मोटर दे दिया रॉ मटेरियल को लगा के। अब आउटपुट में क्या करेगा, अब यहां पर होती है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या करती है, ये जो होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्वालिटी होती है, ये आके चेक करती है कि हमारा जो आउटपुट निकला है ये कैसा रहा होगा, अच्छा है कैसा है, ठीक है, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये क्या करेगा, ये आ गएगा, या तो ये यहाँ पर भी आ गया जहां पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा था, यानी जहां पर इसका निर्माण हो रहा था, ये असेंबल हो रहा था रॉ मटेरियल के द्वारा, जहां पर ये बन रहा होता है तहां पर ये जो क्वालिटी होती है चेक करने वाले लोग होते हैं वो आके यहां पर चेक कर लिए कि कैसा चल रहा है हमारा प्रोसेस, अच्छे से चल रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, या फिर ये यहां पे ना करके जो हमको आउटपुट मिल जाता है, यही जब आउटपुट हमको मिल जाता है तब ये आके यहां पे चेक कर लेते हैं, आउटपुट में आके चेक कर लिए कि हमारा जो आउटपुट है वो वर्क कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है रॉ मटेरियल लगा के वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, ये आए आउटपुट में इन्होंने चेक कर लिया। देखिए हमने यहाँ पर 101,000 पीस का ऑर्डर दिया कि हमको 1,000 पीस हमको मोटर चाहिए, ये हमको 1,000 पीस मोटर चाहिए। अब क्या कि अब ये लोग क्या करेंगे, इनपुट में ये अब जाएंगे 101,000 पीस का, 1,000 पीस का पूरा रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे। अब 1,000 पीस का पूरा रॉ मटेरियल लाके इनपुट को दे देंगे, अब ये इनपुट को इनपुट में रख देंगे, मतलब 1,000 पीस का 1,000 मोटर पीस का रॉ मटेरियल लाएंगे और फिर ये इस प्रोसेस में जाएगा जहां पर इसका निर्माण होगा, इन सभी प्रोडक्ट इन सभी रॉ मटेरियल को उसमें असेंबल किया जाएगा। जैसे इसका आर्मेचर अलग था, केसिंग अलग थी और ये मैग्नेटिक अलग, मैग्नेट अलग था, इस प्रकार जो भी अलग अलग रॉ मटेरियल होगा उसको इस प्रोसेस के द्वारा उसको सभी को एक में असेंबल किया जाएगा। अब असेंबल करने के बाद यहाँ पर इसको आउटपुट दे दिया जाएगा, जब असेंबल हो जाएगा एक प्रोडक्ट बन जाएगा तब उसको दे दिया जाएगा। अब ये क्वालिटी क्या करती है, ये जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तब भी इसको आके चेक कर सकती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, खराब तो नहीं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही, या फिर वो जब इस प्रोसेस में ना आकर चेक करे, अगर इस प्रोसेस में आकर ना चेक करना चाहे तब भी वो आके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब हमको आउटपुट मिल जाएगा, जब हमको उसका आउटपुट मिल जाएगा तब ये आके क्वालिटी जो आती है उसको चेक करती है कि हमारा कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है, किसी प्रकार की उसमें दिक्कत तो नहीं है। और जब यहाँ से इसको चेक कर लिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं पाई जाती है, पूरा प्रोडक्ट फिनिश होता है, तब इसको भेज दिया जाता है किसको कहाँ पे, एक्सटर्नल कस्टमर। इसका मतलब यह है कि इसको बाजार में भेज दिया जाता है बिक्री होने के लिए, अब ये जाएगा मार्केट में, बाजार में बिक्री के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको खरीद के लेके आए, यहाँ पर देखा इसकी स्पीड जो थी, इसको हम लोगों ने टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद हमको पता चला कि इसमें जो इसकी स्पीड है वो अच्छी है। अगर इसकी स्पीड अच्छी है तो ठीक है, अगर इसकी स्पीड कम है तो यानी इसके जो रॉ मटेरियल दिया था, इसके रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है, तभी इसकी स्पीड कम है। जब इसकी स्पीड कम हुई तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आफ्टर सेल सर्विस, ये सेल करने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया है, जो प्रोडक्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया है वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी जो स्पीड, जैसे ये मोटर था इसकी स्पीड मान लीजिए यहाँ पर जब हमको बाजार में मिला तो इसकी स्पीड थोड़ा कम मिली, या इसकी स्पीड ज़्यादा मिली, या इसकी जो कैपेसिटी होती है लोड कैपेसिटी वो कम हुई, हमको फिलहाल जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए वो ऐसा नहीं होता है, तब हम क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कहाँ पर, आउटपुट को, जहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा होता है। अब हम इसको यहाँ पर बोलेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ न कुछ प्रकार किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है, आप उसको सही कीजिए, उसका जो आरपीएम है वो कम है, उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो कम है। अब ये क्या करेगा, ये फीडबैक को देगा, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जब डिजाइन कर दिया जाता है तो उसमें उसका फीडबैक लिया जाता है प्रोडक्ट रहे। अब जो ये हमको जो आउटपुट मिला रहता है यहाँ से जो एक्सटर्नल कस्टमर के द्वारा हमारी जो
जो बाहर के कस्टमर होते हैं उनको जब खरीदते हैं और यहाँ पर अगर उनको कोई कमी मिली तो इसको आउटपुट को बताते हैं। अब ये आउटपुट क्या करता है, ये इसको जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में नहीं आएगा, ये इसमें नहीं जाएगा कि तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हो। इसका जो गड़बड़िंग प्रोसेस रहेगा वो रॉ मटेरियल में रहेगा, वो आपका रॉ मटेरियल में रहेगा, रॉ मटेरियल जिसको कच्चा माल बोलते हैं। इस कच्चे माल में जरूर कोई न कोई प्रकार की, किसी न किसी प्रकार की जरूर दिक्कत रही होगी, जिससे इस प्रोडक्ट की आरपीएम कम मिला, इसका आरपीएम कम मिला, लोड कैपेसिटी मिली, या आरपीएम ज्यादा मिला, लोड कैपेसिटी कम मिली, या लोड कैपेसिटी ज्यादा मिली, फिलहाल किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत आई, तभी जो आउटपुट होता है ये इसको फीडबैक देगा, इनपुट को फीडबैक देगा कि आप अपने रॉ मटेरियल को सही कीजिए, इसमें किसी इसमें ये इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, यानी इसका आरपीएम कम है, लोड कैपेसिटी कम है, तब ये इनपुट को देगा। अब ये इनपुट यहाँ पे क्या करेगा, ये रॉ मटेरियल को बढ़ाएगा, रॉ मटेरियल रहता है उस रॉ मटेरियल को और ज़्यादा अच्छा लाएगा, उस रॉ मटेरियल को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, उसकी जो बनावट होती है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। यहाँ तक आप कुछ ना कुछ जरूर समझ गए होंगे। अगर चलिए मैं आपको दूसरे मेथड से समझाता हूँ, मुझे विश्वास है कि इस मेथड से आपको पूरा पूरा 100% जरूर समझ में आएगा। चलिए इस मेथड को समझते हैं। यह इनपुट है, सपोज कीजिए यहां पर कोई लड़की खड़ी है, यह लड़की है, अभी ये इतना खूबसूरत नहीं है, ये इतना खूबसूरत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, अब यहां आउटपुट में जो एक्सटर्नल कस्टमर में, एक्सटर्नल कस्टमर जो होता है एक्सटर्नल कस्टमर यहां पर कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, सपोज कि ये कोई लड़का है, ये इनपुट में लड़की है, अब ये क्या करेगा, ये लड़का जो है इसको देखेगा तो ये इतना खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, जब ये खूबसूरत नहीं है तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, इसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, मतलब अनदेखा करने की कोशिश करेगा, इसको अनदेखा करने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करेगी, ये शर्मिंदगी महसूस करेगी कि हमको कोई देख नहीं रहा है, अब ये क्या करेगी, ये दिमाग लगाएगी, अब ये गई मार्केट में, ये कहां गई, बाजार में गई, ये बाजार में गई, अब वहां से जो मेकअप का सामान होता है ये कहेगी, अब हमको तुम देख नहीं रहे हो, अभी अभी कुछ देर बाद जब हम आएंगे यहां पर तब तुम हमको खूब खूब ताकोगे, है? अब ये गई बाजार में, अब जब ये बाजार में गई तो यहां से मेकअप का सामान खरीद लाए, मेकअप का सामान यहां से खरीद लाई बाजार से, मेकअप में के सामान में लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर ये सब खरीद के लेके आई, कहां पे दिया, इनपुट में, ये लड़की है पहले खूबसूरत नहीं थी, अब इसको खूबसूरत दिखना, इसको अट्रैक्ट करना है, ये पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहा था इससे, ये इसको इग्नोर कर रहा था, अब ये सोची कि हमको इसको अट्रैक्ट करवाना है, अब ये गई बाजार में, यहां से इसने मेकअप का सामान रहता है वो कुल मेकअप का सामान यहां से खरीद के लेके आई, अब इसने दिया इनपुट को, मतलब ये रॉ मटेरियल हुआ आपका, जिसको कच्चा सामान बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं, ये कच्चा माल हुआ, अब ये आई और यहां आके अब इसने मेकअप लगाना स्टार्ट किया, खुद को मेकअप करना स्टार्ट किया, अब ये खुद को मेकअप करने लगी तब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब यहां पे सज रही है, सज धज रही है, यहां से क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक जो भी लेके आना था अपना लेके आई और यहां पे सज रही है, अब इसको इस अब ये जो लड़की है ना इस लड़के को अट्रैक्ट करवाना है, अपनी तरफ आकर्षित करवाना है, क्योंकि पहले इसको ये देख नहीं रहा था, अब इसको अपने खूब अपने आप को दिखवाना है कि हम कितना खूबसूरत हैं, ये पहले इतना खूबसूरत नहीं थी, ये खूबसूरत नहीं थी, अब तभी जब ये खूबसूरत नहीं थी तब इसने इसको इग्नोर कर दिया था, अब तो इसको खूबसूरत दिखना है ना, तब ये क्या करेगी, रॉ मटेरियल लेके आएगी, वही अपना लाली लिपस्टिक जो भी रहता है यहां पे आई, अब इसने लगाना स्टार्ट कर दिया, खुद को सुंदर बनाने लगी,
अब जब इसने खुद को सुंदर बना लिया उसके खूब, अबे आई इन आउटपुट में, अबे लगा के निकली, अबे लाली लिपस्टिक लगा के निकली यहां आउटपुट में, अब ये हो गया आउटपुट। यहां पे इसने लगाया, यहां से ये लेके आई, इसने यहां पे लगाया, और लगाने के बाद ये निकल गई घर के बाहर। इसने घर के अंदर आके लगाया और यह कहां निकली, घर के बाहर। अब जब घर के बाहर निकली, अब ये जहां पे खड़ी थी पहले, जहां पे ये पहले खड़ी थी, मान लीजिए यहां पे खड़ी थी, अब ये लड़का यहां पे था, यहां से इसको देख रहा था, पहले इसको इग्नोर कर दिया। अब जब वही लड़की जब यहां से मेकअप वोकअप करके आई, बढ़िया बहुत खूबसूरत दिखी, अब बढ़िया लाल साड़ी पहन के आई, अब यहां पे बहुत खूबसूरत दिखी, अब ये लड़का क्या करेगा, हाय ससुरी कौन सी है ये तो हमको लग रहा है ये तो कोई बहुत अच्छी लग रही है, चलो इस पे लाइन मारते हैं। अब ये क्या करेगा, इस पे लाइन मारेगा, लाइन मारेगा तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसको कि हमको ये मतलब हमसे अट्रैक्ट हो जाए। अब ये इसको अट्रैक्ट करने की सोचेगा, ये सोची अच्छा बेटा तुम वही हो जो हमको पहले देख नहीं रहे थे, अब तुम हमको लाइन मार रहे हो, आओ आगे फिर से मिलते हैं। ये आउटपुट में आई, खड़ी हुई भाई उसी स्थान पर खड़ी हुई जहां पर इसने, जहां पर ये पहले खड़ी थी और इसने देखा नहीं था, इसको इग्नोर कर दिया था, वो उसी स्थान पर आके खड़ी हुई, अब ये यहां से देख रहा है, कहेगा हाउ देखा, देख 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 कितना खूबसूरत लग रही है वहां पर खड़ी है। अब ये इसको अट्रैक्ट करवा रही है, ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करवा रही है। अब अट्रैक्ट करवाते करवाते ये क्या हुआ, सर्विस इंफॉर्मेशन आफ्टर सेल सर्विस। अब ये क्या करेगा, अब यहां से जो इसने रॉ मटेरियल खरीदा था, अब ये इसको देख के अट्रैक्ट हुआ, इस लड़की को देख के अट्रैक्ट हुआ, तब कहेगा बहुत अच्छी है बहुत अच्छी, तो यानी इसका इंफॉर्मेशन आफ्टर सेल सर्विस था वो अच्छा हुआ, इसने जो प्रोडक्ट यूज किया मतलब जो रॉ मटेरियल यूज किया क्रीम पाउडर का वो अच्छा निकला, तो इसका फीडबैक अच्छा गया। ठीक, अब यहां से अब जब ये थी जो इसने अपने को मेकअप किया था, मेकअप करके खूब सजाया था इसको अट्रैक्ट करवाने के लिए, इसको, अब ये लड़की क्या करेगी, ये आउटपुट से देगी फीडबैक अपना, ये इससे कहा जाएगा तुम अपना फीडबैक दे कि जो तुमने मेरा प्रोडक्ट यूज किया कैसा है। अब ये फीडबैक दिया इसने, अब ये कही हम इस स्थान पर खड़े थे, हमने आपका प्रोडक्ट नहीं यूज किया था, मतलब हम उतना खूबसूरत नहीं दिख रहे थे, तब ये हमको इग्नोर कर दिया था, आपका प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम खूबसूरत लगने लगे, फिर से अट्रैक्ट हुआ, ये पहले इग्नोर कर रहा था इसको, अब ये अट्रैक्ट हो गया, जब इसको अट्रैक्ट हुआ तब इसका फीडबैक अच्छा आएगा, ये कहेगा बहुत तुम्हारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, जैसे इसने इसको पहले नहीं देखा था, इसने इसको यहां से रॉ मटेरियल लेके आई, यहां पे लगाया, और जब लगाने के बाद घर से निकली, और जब घर से निकलने के बाद उसी स्थान पर खड़ी हुई जहां से इसको इसने देखा नहीं था, मतलब देखा था तो और इग्नोर कर दिया था, अब क्या करेगी, जब यहां खड़ी हुई, अब जब ये इसने पूरा मेकअप का सामान यूज किया, अब मेकअप का सामान यूज करने के बाद फिर से आके उसी स्थान पर खड़ी हुई, अब ये क्या करेगा, या जब वही लड़का फिर से गुजरा, जब फिर से वही गुजरा तो ये देखा, ये फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये वही था जो पहले इसको इग्नोर किया था, और वही इस मेकअप करने के बाद वही आके अट्रैक्ट हुआ। जो हमारा प्रोडक्शन प्रणाली होती है वो इस प्रकार कुछ कार्य करती है। अब इसके आगे की सुनिए, ये यहां पे खड़ी थी मेकअप का सामान लेगा के आके खड़ी थी, अब ये क्या करेगा, ये आ रहा था बाइक से, जब ये बाइक से आ रहा था ये इसको देख रहा था, ये बाइक से आ रहा था और ये इसको देख रहा था, रोड पे आ रहा था, ये रोड थी, यहां से बाइक लेके आ रहा था, ये यहां खड़ी थी, अब ये क्या किए, इनके चक्कर में पागल हो गए, ये इसको देखने लगे, अब ये देखने लगे तो ये इसके चक्कर में पागल हो गए, ये इनको आगे दिखाई नहीं दिया क्या क्या पड़ा है, आगे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, इनको कुछ नहीं मतलब है, इनको बस इनसे मतलब है, इनको देख रहे थे,
अब इतने में आया आगे से ट्रक, ये ट्रक आया यहां से, ये ट्रक आया। अब ये बाइक से आ रहे थे, इनको इसने ठोक दिया, ठुका गए। अब जब ठुका गए तो ये पहुंच गया हॉस्पिटल में। कहां पहुंच गए? हॉस्पिटल में। अब ये पड़े हैं इमरजेंसी वार्ड में पड़े हैं, लेकिन फिर भी इनको उसी ख्याल है, ये इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी चक्कर में ठुकाए हैं तो उसको नहीं भूलेंगे। कहा कहेंगे जब मिलेंगे अपने दोस्तों से, कहेंगे बहुत खूबसूरत थी यार, उसी चक्कर में हम ठुका गए थे। तो इनका जो फीडबैक रहेगा इसके प्रति अच्छा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये इसके चक्कर में ठुकाए थे। किस लिए ठुकाए थे? बहुत खूबसूरत लग रही थी, अब ये ठुका गए। अब दूसरे भाई साहब आए, इनका काम खत्म, ये पहुंच गए हॉस्पिटल। वो तो पहुंच गए हॉस्टल हॉस्पिटल, और उसके बाद दूसरे आए, वो भी देख के इसको अट्रैक्ट हुए। उसने भी जैसे भी इसने देखा, ये भी अट्रैक्ट हुए, इसी की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब ये जब इसके पास आए तो इससे बोले, ये जहां पे ये खड़ी थी, और ये यहां से चल के आए इसके पास खड़े हुए, इससे बोले अपना नाम बताओगी? इससे बोले, तो इसने बोला मेरा नाम है पायल। इसने अपना नाम बताया पायल। अब ये का किए, अब ये वहां से उठ के यहां पे आए, अब ये बोले हाय पायल, हम तुम्हारे प्यार में हो गए घायल। अब ये हुए इनके प्यार में घायल। अब का था, इतने में शुरू हो गई बारिश, इतने में शुरू हो गई बारिश। अब इसके पास छाता था नहीं, ना इनके पास छाता। अब जो कि जितना भी कुल मेकअप किए थे ये, अब बारिश के चक्कर में सब धुल गया। बारिश हुई तो इसका जितना भी मेकअप था वो सब खत्म, धुल गया। अब ये का कहें, जब देखें तो कहें अरे यार ये तो वही लड़की है जिसको हम उस दिन देखे थे और इग्नोर कर दिए थे। अब ये फिर से कहेंगे ए पायल, हम नहीं तुम्हारे प्यार में घायल। अब ये वहां से फिर से फूट लिए, ये फिर से फूट लिए, अपने रास्ते हो गए, ये अपने रास्ते हो गए। अब इनके लिए जो इसका आउटपुट रहेगा, इनके लिए जो इसका आउटपुट रहेगा वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इसने इसको देख लिया कि ये मेकअप किए थे और इसका जो पूरा मेकअप था वो सब धुल गया बारिश की वजह से। इनके लिए इनका पूरा इनका इनके लिए इसका जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा, और जो वो उसके चक्कर में ठुकाए थे ना, उसके लिए, इसके लिए जो ठुकाए थे उसके लिए हमेशा उसका आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो इसको फीडबैक दे दिया इनपुट को, एक है तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक है। इस प्रकार हमने जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको समझा, किस प्रकार से किस प्रकार से रॉ मटेरियल के द्वारा हम उसके प्रोडक्ट को पूरा अपने डिजायर इच्छा अनुसार उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, उस सभी प्रोसेस को समझ लिया, इनपुट का प्रोसेस समझ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस समझ लिया, आउटपुट समझ लिया, एक्सटर्नल कस्टमर समझ लिया, इन्फॉर्मेशन आफ्टर सेल सर्विस समझ लिया, और फीडबैक तो भूलेगा नहीं कभी हॉस्पिटल वाला, ये तो भूल जाएगा, कहे कि चलो छोड़ो जाओ, लेकिन वो हॉस्पिटल वाला नहीं भूलेगा। इस वीडियो में आपने समझ लिया। अब इसके साथ अगली वीडियो में समझेंगे कि किसी भी कंपनी को किस प्रकार खोला जाता है, उसमें किसी भी प्रोसेस को कैसे कैसे बढ़ाया जाता है आगे, किस प्रकार से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कंपनी की स्टार्टिंग से लेकर कंपनी दिवालिया जब तक हो जाती है उसके पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।